बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कुकिंग विद माहम। आज मैं बताने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में अपने लिए क्लब सैंडविच। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत इजी हैं। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। गर्मी बहुत है, इतनी देर लंबे लंबे नाश्ते नहीं बनते। इसके लिए मुझे चाहिए चिकन लिया है मैंने, बॉयल करके उसको शरेड कर लिया है। शिमला मिर्च ली है, टमाटर और प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 6 मैंने स्लाइस लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, मायनीज है और केचप। पहले मैं अंडे फ्राई कर लेती हूँ, फिर सैंडविच बनाएंगे। अंडे मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब ये स्लाइस को मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा, यानी कि कहते हैं कलर देना है, बस बिल्कुल लाइट सा वो दे रही हूँ। अंडे मैंने बिल्कुल देखे फुल फ्राई किए हैं बिल्कुल, और स्लाइस को मैंने ये बिल्कुल लाइट से कर दिया। इसमें मैंने कोई कोई ऑयल कोई घी नहीं लगाया, बिल्कुल पैन में मैंने बस इसको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा कलर किया, ब्राउन किया, ताकि ज़्यादा ज़्यादा कच्चे ना रहे। अब हम मिक्स करते हैं ये चिकन और ये वेजिटेबल्स, मेरे पास जो मौजूद थी मैंने वो मिक्स कर ली। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल बनता है और बहुत मज़े का। इसमें डाल रही हूँ मैं मायनीज थोड़ा सा, 3 चम्मच के करीब डाला है मैंने मायनीज। इसको हम करेंगे मिक्स। इसमें डालूंगी मैं, डाल रही हूँ नमक, क्योंकि मायनीज में ऑलरेडी नमक होता है, और थोड़ी सी बिल्कुल काली मिर्च। आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट में इतने स्पाइसेस नहीं पसंद, मैं इसलिए सिंपल सा ब्रेकफास्ट, ज़्यादा स्पाइसेस वाला नहीं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम बनाते हैं अपना सैंडविच फाइनली। थोड़ा सा हम डालेंगे मायनीज, थोड़ी सी डालेंगे हम केचप। आप सॉसेस में जो भी आपका आपको पसंद है आप लोग डाल सकते हैं। रखेंगे एग फ्राई, जब जब और करूँगी। थोड़ी सी इस पे डाल रही हूँ मैं ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक, ठीक है। अब दूसरे स्लाइस पे भी मायनीज, और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी इसकी ये लगाएंगे हम। कसम से आप ट्राई कीजिएगा, बहुत डिलीशियस बनता है। के बच्चे ना खाएं खुश हो के, आपके हस्बैंड ना खाएं तो मेरे पैसे वापस। हर बाइट में आपको ये चिकन मायनीज मज़ेदार सा, ये देखें जी ये हो गया। अब ये लग गया हमारा थर्ड स्लाइस, इस पे भी हम लगा रहे हैं मायनीज थोड़ा सा, ठीक है। इस पे हम डालेंगे थोड़ी सी केचप, ये एग वाला स्लाइस रखेंगे हम फिलिंग के ऊपर, ये देखें, और इसको रखेंगे हम इसके ऊपर। मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ब्रेकफास्ट मेरा बिल्कुल रेडी है, कटिंग मैंने कर ली है, सैंडविच मेरे बिल्कुल रेडी है,
चाय मेरी रेडी है। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद है, ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े बनते हैं, बड़े जल्दी बनते हैं। मैंने तो थोड़ा सी ज़रा आपको दिखाने के लिए वो, वरना मैं जल्दी जल्दी बना देते। मैं आपसे आपके साथ मैं मज़ीद भी आपके साथ अपनी सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, अच्छी लगे, बना के देखें अच्छी लगे, तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और मेरे वालिद, मेरे ससुर बहुत बीमार हैं, आप प्लीज़ सब उनके लिए, जो जो मेरी वीडियो देख रहा है उनके लिए प्लीज़ प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह उनको सबको, दुनिया में जितने भी लोग हैं, किसी भी कॉज से हैं, किसी भी मज़हब से हैं, उन सबको अल्लाह सेहत दे। ये करोना से हमारी जान छूट जाए। अल्लाह के जो हमसे नाराज़ है, या अल्लाह जो जो भी चीज़ है, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और हम लोग इस चीज़ से निकल के नॉर्मल बिल्कुल लाइफ की तरफ आ जाए। क्योंकि सबकी लाइफ बहुत अपसेट हुई हुई है, जो घर में बीमार है, हॉस्पिटल्स में बीमार है, बहुत कुछ वीडियोस में देखते हैं, जो कुछ वीडियो में देखते हैं, बड़ा खौफ सा है एक इस चीज़ का। अल्लाह में, अल्लाह पे तवक्कल है कि ये इसी ने ही, अल्लाह ताला ने ही हमें इन चीज़ों से निकालना है। और ये हमारा इस इम्तिहान है, हम इस इम्तिहान में अल्लाह हमें पास कर दे, और हम जल्द से जल्द, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शफा दे। ये कोरोना से हमारी बिल्कुल जान छूट जाए। आप लोग खुदा से दुआ करें, हम सब मिलके अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें। और अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई, बातें नहीं, रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह सबको अपने हिज़्ज़ो अमान में रखें। मैं चली नाश्ता करने, अल्लाह हाफिज़।